पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह तो रिश्ता अपनी जगह जी हां इस बात को नजर में रखते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन रेड्डी ने अपने भांजे यानी सिस्टर शर्मिला के बेटे वाई एस राजा रेड्डी के रसम यानी इंगेजमेंट फंक्शन में शिरकत की भले ही जगनमोहन रेड्डी मंगनी के इस फंक्शन में कुछ ही देर के लिए शरीक हुए होंगे मगर शिरकत करके सबको हैरान कर दिए और इन तमाम लोगों के एक्सपेक्टेशंस को भी गलत साबित कर दिया क्योंकि सिस्टर शर्मिला की तरफ से वाई आर तेलंगाना पार्टी कायम करने के बाद से दोनों भाई और बहन में पॉलिटिकली डिफरेंसेस पैदा हो गए और फिर हाल ही में सिस्टर शर्मिला की पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो जाने और फिर सिस्टर शर्मिला को वाई एस जगनमोहन रेड्डी के ख़िलाफ़ आंध्र प्रदेश स्टेट में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए जाने के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा पोल्टिकली डिफरेंसेस पैदा हो गए और फिर आंध्र प्रदेश में आइंदा कुछ महीनों में होने वाले इलेक्शन वाई एस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि जगनमोहन रेड्डी का एक तरफ अपनी बहन सिस्टर शर्मिला से तो दूसरी तरफ टीडीपी के चीफ नारायण चंद्र बाबू नायडू से कड़ा मुकाबला होने वाला है फिर भी जगनमोहन रेड्डी ने रिश्ता निभाते हुए सिस्टर शर्मिला के बेटे वाई एस राजा रेड्डी के रस्म में शिरकत की जिनके साथ इनकी वाइफ भारती रेड्डी भी मौजूद थी जहाँ जगनमोहन रेड्डी ने अपनी बहन सिस्टर शर्मिला से मुस्कुरा कुछ सेकेंड्स के लिए मुलाकात की और फिर दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले से लगा लिया इसके बाद जगनमोहन ने अपनी वालदा से भी बस इसी तरह से मुलाकात की और फिर अपने भांजे राजा रेड्डी से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की बाद में राजा रेड्डी की होने वाली बीवी प्रिया के सर पर हाथ रखकर इन्हें आशीर्वाद देते हुए यहां से रवाना हो गए जिनकी रवानगी के वक्त फंक्शन में आए हुए उनके अपने चाहने वालों की तरफ से जय जगन जय जगन के नारे भी दिए जा रहे थे और फिर जगन मोहन रेड्डी वापसी के वक्त दावत में आए हुए तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क से भी कुछ ही सेकंड मुलाकात करके रवाना हो गए जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जगनमोहन रेड्डी बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे होंगे या फिर पोलिटिकली डिफ्रेंसेंस की वजह से वो इस फंक्शन में ज्यादा देर रुकना नहीं चाह रहे थे होंगे जिस पर आप सबका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना